जींद वक्फ बोर्ड किरायेदार एसोसिएशन जींद द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में शहर में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन उपयुक्त महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को दिया गया। यहां एसोसिएशन के प्रधान श्री संत लाल चुंग ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह का कानून नहीं बनाया जाता है। ये काला कानून कांग्रेस ने केवल वोटों की तुष्टिकरण के लिए ही बनाया गया है। आपने मांग की कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो किरायेदारों के मौलिक अधिकार हैं, वक्फ किरायेदारों को वो अधिकार दिए जाएं। आपने कहा कि 2013-14 में जो देश में मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था, उसको लेने के लिए हम मरते दम तक संघर्ष करेंगे, जिसमें कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ बोर्ड कानून के विरोध नारे लगाए गए और अपनी मांगों के समर्थन में इस काले कानून के अंतर्गत किसी भी वक्फ जायदाद का किराया कम से कम उसकी कलेक्टर दर का 2 से 2.5% होगा, उसके बाद उसकी बोली लगाई जाएगी। जिसकी अधिक बोली होगी वही आगे किरायेदार होगा और वर्तमान किरायेदार को अपना दुकान मकान खाली करना होगा। उसके 3 साल बाद फिर यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, फिर वही अधिक बोली देने वाले किरायेदार के नाम दुकान मकान कर दिए जाएंगे और उस समय बैठे हुए किरायेदार को फिर अपने दुकान मकान खाली करना होगा। इस प्रकार से ये काला कानून वक्फ बोर्ड किरायेदारों के लिए आत्महत्या का कानून बन गया है, जबकि पहले के नियमों में प्रत्येक 3 साल में वक्फ जायदाद का रिन्यूअल किया जाता था और आपसी सहमति से नियम अनुसार किराया बढ़ा दिया जाता था। इस अवसर पर एसोसिएशन के उप प्रधान श्री अतुल चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने एक काला कानून पता नहीं किस आधार पर बनाया था। आपने कहा कि हम एक लंबे समय से इस कानून को निरस्त करवाने के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन इस बिल को अभी तक निरस्त नहीं किया गया, जिसमें मांग की गई कि जो कलेक्टर रेट जमीनों के बनते हैं वो सब से लेकर जो जमीनों पे काबिज हैं उन सब के नाम करने का आग्रह किया जाएगा, अन्यथा ये आंदोलन आग्रह से उग्रता की ओर जाएगा। अपनी जायज मांगों को लेकर इस आंदोलन में जींद के सभी वक्फ बोर्ड किरायेदार, दुकानदार व मकान मालिकों ने हिस्सा लिया। जींद से ऋषि मेहंदी रत्ता, आजाद टीवी न्यूज। में लगभग इतनी दुकानें और मकान सबको एक तरह से लीगल तरीके से बाहर कर चुके हैं, वो तो इलीगल रह रहे हैं। हर तीन साल में रेंटी बदलना, जो ज़्यादा बोली देगा उसको किरायेदार घोषित कर देना, तो ये एक तरह का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जितने भी जो 47 से आए हुए लोग हैं उनको बेघर और बेरोजगार कर दिया इन लोगों ने, तो हम इसके खिलाफत में आज एक ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री जी को और DC साहब के माध्यम से। मांग पूरी नहीं होती तो इसका आगे और विरोध करेंगे, यही प्रदर्शन करेंगे शहर में और उग्र प्रदर्शन होगा और हरियाणा में आज के दिन पूरे हरियाणा में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हमारा जो वक्फ बोर्ड की जो यूनिटी है पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग शहरों में यहाँ पे ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि पूरे देश की सरकार जागे। हम अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं होंगे, गवर्नमेंट को इस काला कानून बिल्कुल पूरा नहीं होने देंगे और हम ये चाहते हैं कि जो आम आदमी को पाकिस्तान से हमारे लोग अपने धर्म के लिए सब कुछ छोड़ के आए, अगर यार किसी अग्रवाल बंधु किसी जाट की हमने किराए पे बिल्डिंग ली है, जो रेंट एक्ट उस समय उनको सुविधा देता है या रेंटियों को सुविधा देता है, वही सुविधा अगर मंदिर और मस्जिद पे और गुरुद्वारे में लागू नहीं होता तो वक्फ बोर्ड को वो सुविधा क्यों दी जा रही है? और जानकर ये हिंदुओं के हितों के विपरीत काम किया जा रहा है, जिसे सारा समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।